हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे, लेकिन आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? स्कूल तो आप लोगों के बंद हो चुके हैं, पता है आप लोग स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? क्योंकि हमारे चारों ओर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैली हुई है। ये बीमारी क्यों फैली हुई है, किस कारण से, पता है? क्योंकि एक वायरस है जिसका नाम क्या है, कोरोना वायरस, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, और इसीलिए हम लोग घर पे रह के ही पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को घर पे बैठ के ही पढ़ाई करवाऊंगी। आपकी मम्मी पापा भी आप लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना करते होंगे। तो चलिए आज हम वायु के बारे में पढ़ते हैं, मोबाइल के माध्यम से पढ़ते हैं। आप सब लोग वायु के बारे में तो जानते ही होंगे, हवा या वायु। वायु को किसी ने देखा है? नहीं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं कि वायु क्या है। जब आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोगों की मम्मी कपड़े धोती हैं, तो कपड़े धो के तार पे फैला देती हैं, तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। तो आप लोगों को क्या अनुभव होता है? आप लोगों को लगता है हवा चल रही है। जब आप लोग पतंग उड़ाते हैं, तो वो भी हवा से आकाश में उड़ती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े जब तूफान आता है ना, तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, तो वो भी एक तरह की हवा ही है या वायु ही है। और तो लेकिन आप लोगों ने देखा, जब आप लोग किताब खोल के रखते हैं टेबल पर, तो उसके पेज भी उड़ के उड़ने लगते हैं, तो आप कहते हैं कि हवा से किताब अपने आप खुल गई। तो ये सब क्या, किस कारण होता है? ये वायु के कारण या हवा के कारण होता है। देखिए आप लोग, ये मिट्टी है, इसको मैं बंद कर लिया मैंने, इसके अंदर क्या है खोल के देखिए। अब आप लोग बोलेंगे इसके अंदर तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर क्या है। वो एक एक्टिविटी के माध्यम से आपको वायु के बारे में समझाती हूँ। तो इसके लिए हम एक बोतल लेते हैं और एक और थोड़ा सा पानी लेते हैं, जो कि देखिए इसमें पानी भरा हुआ है और ये खाली बोतल है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये खाली है? तो इसको मैं देखिए आप लोगों के सामने उल्टा करके दिखाती हूँ। इसके अंदर कुछ था? नहीं, हम लोगों ने क्या देखा, वायु बोतल बिल्कुल भी खाली है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस बोतल को पानी में डुबोते हैं, तो सीधा करके रखते हैं तो इसके अंदर कुछ नहीं जाता। फिर हम इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं, तिरछा करते हैं तो देखते हैं आप लोग कि इसमें बुलबुलों के साथ तिरछा करने से इसमें बुदबुदाहट होती है और पानी इसके अंदर भरने लगता है। देखिए, और वायु जो होती है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है। देखिए पानी भर जाता है। तो ये इसके अंदर क्या था, वायु थी। वायु को हमने कैसे महसूस किया, क्योंकि इसके अंदर वायु थी, वही वायु पानी के बुलबुलों के रूप में बाहर निकली और उसके स्थान पर पानी बोतल के अंदर भर गया। तो वायु के लिए स्थान था और उस वायु का स्थान ही पानी ने ले लिया। इससे हमें एक बात स्पष्ट हो गई, आप लोग बच्चों एक बात समझ में आ गई होगी कि वायु जो होती है वो स्थान लेती है, स्थान घेरती है। कोई भी खाली चीज है या हमारे चारों ओर का वातावरण है, तो उसमें हमारे चारों ओर वातावरण में वायु उपस्थित होती है। और वायु क्या होती है, रंगहीन होती है, पारदर्शक होती है। पारदर्शक का मतलब है कि जिसके हम चारों आर पार देख सकते हैं। तो आप लोगों को दो बातें समझ में आ गई, पहला कि वायु स्थान घेरती है, दूसरी कि वायु में पारदर्शक होती है, उसके हम आर पार देख सकते हैं। तो अच्छा बच्चों, आज आप लोगों ने वायु के बारे में पढ़ लिया। और जो हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु एक परत के रूप में फैली रहती है, और वायु में कई गैसें होती हैं जो इसमें मिक्स रहती हैं, या कई गैसों से मिलकर वायु बनी होती है। उसमें ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन, और भी कई अन्य तरह की गैसें होती हैं। इनका संगठन
इसके वायु के संगठन के बारे में मैं आप लोगों को अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगी। और जो वायु जो हमारे चारों ओर के वातावरण में फैली होती है पृथ्वी के चारों ओर, इसको वायुमंडल कहते हैं, इसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। और ठीक है बच्चों, अब आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में मैं आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।